You're the one who can make me happy. Hey guys, welcome back to my channel once again, Capture the Moment Blog with me, Tamal Daj. और आज हम टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में अलग से बात करेंगे वो कुछ अलग ही हुआ, ये है फिटनेस के बारे में और ये कैसे रिलेट करता है ट्रैवलिंग को, रोड ट्रिप को या फिर किसी भी अगर आप एडवेंचर ट्रिप में आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये फिटनेस कैसे रिलेट करता है इस शौक के साथ, आपके इस पैशन के साथ। सो इसी बारे में आज हम लोग आप बातें करेंगे। सो देरी ना करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो वेलकम बैक। सो तो मेन चीज है कि आप अगर एडवेंचर ट्रिप पसंद करते हैं तो उसमें फिटनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर एडवेंचर ट्रिप में अगर आप एडवेंचरस हो, आपके अंदर वो जो मतलब वो चीज है कि आप किसी भी जगह पे आप घूमना या फिर आपका फिजिकल थोड़ा सा मतलब हार्ड वर्क ज्यादा होता है तो उसमें अगर आप फिटनेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक भूमिका रखता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो भी बंदा अंदर से फिट नहीं होगा वो बाहर जाके परफॉर्मेंस दे नहीं पाएगा। तो आज थोड़ा सा अलग होगा टॉपिक, क्योंकि ये रेगुलर ट्रैवलिंग या फिर टूर रिलेटेड कुछ टॉपिक मतलब रिलेटेड कुछ मतलब डिस्कशन नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस टॉपिक को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि फिटनेस होना बहुत जरूरी है। और आज मैं ट्राई करूंगा कुछ बेसिक होम वर्कआउट। जिन लोगों को मालूम नहीं कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं 10 साल से नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, फिटनेस के ऊपर मैं जुड़ा हुआ हूँ। जो भी है आज मेरे साथ आप देख रहे हो। सो ये कैसे किया मैंने, 10 साल तक मैंने इसका प्रैक्टिस है, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज दूँ और ये मुझे कितना हेल्प करता है मेरे राइडिंग के ऊपर, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफी बंदा मेरे ऑफिस कलीग, मेरे दोस्त मुझे ये हर वक्त ये बोलता रहता है कि यार तू इतना लॉन्ग राइड कैसे कर पाता है, मुझे तो 1-2 घंटा बाइक चलाने में भी मतलब बम में दर्द होने लगता है, ये होने लगता है, शोल्डर पेन वगैरह वगैरह जो भी है होने लगता है, तो तू कैसे कर लेता है। तो मैं उन लोगों को कभी ये नहीं बोल पाता था एग्जैक्टली कि मुझे ये मेरे से हो जाए कैसे जाता है। मैं काफी पहले टाइम से मैं घूमता रहता हूँ, मैं ऑलमोस्ट इंडिया का काफी जगह मैं घूम चुका हूँ थ्रू ट्रेन, बसेस, फ्लाइट्स, अब जाके मैं बाइक से शुरुआत किया है लास्ट 1 साल से, क्योंकि मुझे हर एक नया नया चीज ट्राई करना मुझे पसंद है, मुझे एक ही चीज में लगा रहना मुझे उतना अच्छा लगता है। तो मेरा जिन लोगों को मालूम नहीं कि ट्रैवलिंग के अलावा रोड ट्रिप या फिर जो भी एडवेंचर ट्रिप जो भी होता है उसको अलावा इसके अलावा भी मुझे एक शौक है, वो है मेरा वर्कआउट। मैं हर सुबह में वर्कआउट करके ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आने के बाद मैं बाकी काम करता हूँ, तो ये मेरा पैशन है बोल सकते हो। हाँ, अगर पहले जब आज से मैं 10 साल पहले जब अगर यूट्यूब उतना फेमस होता है, अगर हम लोगों के पास इतना मतलब सारा जो होता है ना एक्सेसरीज, कैमरा वगैरह या फिर जो भी ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज होता, तो शायद मैं इस टाइम पे ट्रैवलिंग के ऊपर ब्लॉगिंग ना करते हुए फिटनेस के ऊपर अगर मेरा शायद यूट्यूब चैनल होता। अभी भी कोई कोई मुझे सजेस्ट करता है तू एक चैनल खोल ले यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आप तुम कितना तुम्हारा क्या बोलता है उसको फिटनेस के ऊपर तुम बहुत सारा ज्ञान शेयर कर सकते हो, लेकिन सोच रहा हूँ कि 2-2 चैनल मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज हो चुका है। अभी जस्ट खुद को मेंटेन कर लेता हूँ वही चीज बहुत बेहतर है। सो अपार्ट फॉर दम इसको छोड़ते साइड में रखते हैं, वो अलग से हो गया टॉपिक। तो फिटनेस कितना मायने रखता है आज आप लोगों को बताऊंगा, आप घर में बैठे बैठे आप फिटनेस को मेंटेन कर सकते हो, अपना खुद का जो है ना अंदर से डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको जिम जाना भी जरूरी है। हाँ, मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं 10 साल से जा रहा हूँ तो ये इट्स बिकम अ हैबिट फॉर मी और ये अब नॉर्मल सा हो गया है। और मैं उन लोगों को यही बताता हूँ जो लोग मुझे पूछते हैं कि इतना लॉन्ग टाइम पे तुम बाइक कैसे चल रहे थे, तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोलता हूँ, देखो मेरा जो फिटनेस है जो मैं मेंटेन करता हूँ मुझे बहुत सारा हेल्प करता है। एक तो 3 चीजें मेरे लिए बहुत हेल्प किया इस राइडिंग में आने के लिए, इस प्रोफेशन में या फिर इस पैशन में आने के लिए, प्रोफेशन नहीं बोलूंगा पैशन ही बोलूंगा, प्रोफेशन एक गलत वर्ड हो गया, प्रोफेशन अलग चीज होता है पैशन अलग चीज है, ये मैं पैशन के लिए करता हूँ। एक तो चीज मुझे बाइक चलाना पसंद है, मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे एक जगह पे जाना है वो जगह सुंदर है इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, मुझे उस जगह पे जाने के लिए मुझे बाइक लेके जाना पड़ेगा, ड्राइव करके राइड करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस जगह पे जाता हूँ। अगर कोई जगह 1 घंटे के डिस्टेंस पे है मुझे वो जगह पसंद नहीं है,
लेकिन कोई जगह अगर 4 घंटे का डिस्टेंस में, मुझे वो जगह ज्यादा पसंद होगा। अगर मुझे प्रेफरेंस, अगर मुझे पूछा गया कि फर्स्ट चॉइस क्या है सेकंड चॉइस क्या है, मैं 4 घंटे का डिस्टेंस में प्रेफर करूंगा। भले ही वो जगह देखने में उतना सुंदर भी ना हो, फिर भी मैं प्रेफर करूंगा वो, क्योंकि क्या है जगह से ज्यादा मैटर करता है। मैं वहां पर राइड करके जाऊंगा, मुझे वो फीलिंग्स आएगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, बाइक के ऊपर मुझे इंटरेस्ट है। ऊपर से मुझे घूमना तो पहले से ही पसंद है। पहले तो मैं बहुत सालों से घूम रहा हूँ थ्रू बस, ट्रेन, फ्लाइट, अब जाके मैं राइडिंग में आया। तो क्या हुआ, पहले ही ये चैनल वगैरह ब्लॉगिंग वगैरह उतना फेमस नहीं हुआ करते, या फिर मुझे उतना पसंद नहीं आता था, या फिर जो भी हो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो तब उतना तो ब्लॉगिंग हुआ नहीं, तो कर भी नहीं पाया उतना, क्या कर भी नहीं पाया। तो नॉर्मल सा कैमरा हुआ करता था मेरे पास, कोडैक का KB 1200 KB 12 मॉडल रियल कैमरा हुआ करता था, उससे फोटोग्राफ खींचता था। अगर आप लोग मेरा फोटोग्राफ देखना चाहते हो तो मैं लिंक आ रहा होगा नीचे इंस्टाग्राम का, वहां पर आप देख सकते हो मैंने जितना भी फोटोग्राफ लिया है। जब से डिजिटल फोटोग्राफी आ चुका है, मतलब मेमोरी कार्ड का, उससे पहले जो फोटोग्राफ लिया था सब रील से लिया हुआ था, वो वॉश करने के बाद तो फ्रेम में पड़ा हुआ है, उसको मैं दिखा नहीं सकता। अगर मैं उसको वहां से दिखाने लगूंगा तो क्वालिटी बहुत खराब होगा, तो दिखाने का कोई फायदा नहीं। जो भी है, तो ऑल ओवर इंडिया में मैं काफी जगह घूम चुका हूँ, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर गोवा, पुरी, अंडमान निकोबार, इधर जगह नाम भी याद नहीं रहता, इतना जगह मैं घूम चुका हूँ। तो मतलब ऑलमोस्ट साउथ इंडिया छोड़कर, हाँ साउथ इंडिया छोड़कर ऑलमोस्ट मैं जितना ध्यान से बोल सकता हूँ 60-70% जगह इंडिया का मेरा कवरअप हो चुका है। बहुत सालों से मैं घूम रहा हूँ, मेन मेन जगह आगरा, ठीक है, सब कुछ, अयोध्या, कुरुक्षेत्र, जो भी है जगह, मतलब बहुत सारे जगह, होली प्लेसेस हो, ट्रैवलिंग प्लेसेस हो, मेरे यहाँ पर का जो लोकल जगह हो तो सभी बहुत पहले खत्म हो चुका है। तो ये सब मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि ब्लॉगिंग जब आया हूँ, ब्लॉगिंग में जब आ चुका हूँ अभी एक साल से, तो कि उन्हें जितना हो सके मैं अभी से दिखाना चाहता हूँ, तो कभी ना कभी तो स्टार्ट करना ही पड़ता है। सो चलिए, अगर आपको दिखाना पड़ेगा फिटनेस के बारे में कि आप बेसिक घर में बैठ के फिटनेस कैसे मेंटेन करते हो, आप कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आप अपने आपको उस माहौल में आप ढाल सकते हो, तो इसके लिए आपको मैं रूप में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ आज। वैसे पहले मैं बोल देता हूँ, मैंने सोचा था कि पहले मेरा पूरा जो फिटनेस वर्कआउट है, बेसिक होम वर्कआउट, मैं पूरा सीरीज को एक ही वीडियो में दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वीडियो फिटनेस एक ऐसा चीज में तो रिदम मैटर करता है कि आप कितने रिदम में करते हो। मैं सोचा था कि वीडियो का अगर फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ तो क्या होगा, वीडियो का क्वालिटी खराब होगा और उसके साथ रिदम भी आपको पता नहीं चलेगा, तो जस्ट दिखाने के लिए आए हुए। सोचा मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ये पहला पार्ट है, सेकेंड और थर्ड पार्ट, क्योंकि अगर मैं सोचू पूरा बॉडी को, जितने लोगों को मालूम है कि फिटनेस के लिए 3 बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 3-6 बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेग्स बहुत मतलब मेन चीज है, उसके साथ मैं आज दिखाऊंगा लेग्स और ट्राइसेप का वर्कआउट। अगले नेक्स्ट पार्ट में आएगा शोल्डर के साथ बाइसेप का वर्कआउट, और थर्ड पार्ट में आएगा शायद चेस्ट के साथ लैट का वर्कआउट, बैक्स, लैट और बैक जो भी आप बोल सकते हो बैक, क्योंकि सभी चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। आप विदाउट लेग सपोर्ट आप कहीं जगह पर ट्रैवलिंग यानी कि ट्रेकिंग वगैरह नहीं कर सकते, आपका लेग स्ट्रांग होना चाहिए। शोल्डर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि शोल्डर के ऊपर डिपेंड करेगा आपका पूरा गाड़ी का मैन्यूवर, जो भी हो वजन कैरी करते हो, बैकपैक जो भी आप कैरी करते हो, लगेज वगैरह शोल्डर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सब मैटर करता है। चेस्ट, ट्राइसेप और बाइसेप, बाइसेप ट्राइसेप इसलिए जरूरत है क्योंकि आपका हाथ, हैंड आपका स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी चीज को हैंडलिंग करने के लिए। सो हर चीज बॉडी पार्ट जरूरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उसी को कोशिश करूंगा कि मैं जितना जल्दी हो सके इन वीडियो के द्वारा मैं आपको प्रैक्टिकली समझा पाऊँ कि आप बेसिक फिटनेस मेंटेन क्या कैसे कर सकते हो। हाँ, नॉर्मल जो स्ट्रेच वगैरह होते हैं आप सभी को मालूम है, स्ट्रेचिंग कैसे किया जा सकता है उसको मैं आज दिखाऊंगा नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस जाके आप क्या क्या वर्कआउट कर सकते हो अपने घर में, ताकि आपको ठीक ठाक सा आपको फिटनेस आपको आ सकेगा और आप कॉन्फिडेंट मिल सकेगा आपको। सो चलिए लोकेशन चेंज करते हैं, कैमरा का एंगल चेंज करते हैं और मिलते हैं रूफ पे। सो लेट्स गो, चलिए। हे, वेलकम बैक टू माय रूफटॉप, मैं आ चुका हूँ ऊपर, और ये रहा मेरा वर्कआउट करने का बेसिक साधु सामान, 5 लीटर जेरिकन, इसमें पानी बहुत फिलअप किया हुआ है, ये सिलेंडर 30 kg का फुल फिलअप सिलेंडर है, ये दो ईट जो यहीं पर रहता है मेरा साधु, और वहाँ पर एक बारबेल के लिए डंडा अब दिखाई दे रहा होगा उसको देख पा रहेंगे, ये चेयर। सो ये बेसिक साधु सामान हर किसी के पास होना चाहिए और मेरे ख्याल से है भी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको मिल जाएगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप राइड पे निकलते हो पहले चीज आप क्या करते हो, आप अपना बाइक का मेंटेनेंस करते हो पूरा साल भर, हर महीने आपको रेगुलर इंटरवल आप सर्विसिंग देते हो,
ध्यान रखा करते हो अपने बाइक का, तो अगर आप अपना बाइक का ध्यान रखा करोगे क्योंकि रखते हो क्योंकि उसको लेके आप ट्रिप में जाने वाले हो, तो बाइक पूरा ट्रिप आपका कंप्लीट कराता है। तो अगर बाइक का ध्यान रखोगे रखना चाहते हो अच्छी बात है, तो अपना बॉडी का क्यों ध्यान नहीं रखना चाहते हो, उसका भी ध्यान रखो क्योंकि बॉडी भी तो साथ में जाएगा ना, बाइक तो अकेले तो नहीं जाएगा ना लगेज को लेके, तो बॉडी का ध्यान रखो ताकि एक्सट्रीम सिचुएशन में जैसे कि अगर हाई ऑल्टीट्यूड जगह पे जहाँ पर AMS का प्रॉब्लम होता है और भी काफ़ी डेंजरस टेरेन जहाँ पर ऐसे बहुत सारे सिचुएशन फेस करना पड़ता है, अगर गाड़ी कई बार जाकर गाड़ी अगर ख़राब हो गया, मेंटेनेंस का इशू आ गया रास्ते में, अगर आप टायर्ड हो जाओगे तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग फ्रस्ट्रेट होने लगेगा, अगर दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो ईजी चीज़ भी आप काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो ये सारा चीज़ मेंटेन मतलब मेंटेन होता है अपने बॉडी के हिसाब से, अगर बॉडी अगर काम रहेगा कूल रहेगा तो दिमाग काम करेगा, इजीली कुछ काम इजीली निकल जाएगा, और अगर आप कूल नहीं रहोगे काम नहीं रहोगे आपके बॉडी में वो पावर वो एनर्जी अगर जेनरेट नहीं हो पाएगा, अगर फिजिकली फिट नहीं रहोगे तो वो काम भी आपको आसान काम भी आपको बहुत ज़्यादा टफ मतलब फील होने लगेगा उस टाइम पे उस सिनेरियो में उस सिचुएशन में। सो बहुत सारा ज्ञान हो गया, अब स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। सो लेट्स ठीक ठाक से अभी स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप का वर्कआउट।
छोटा होता है बाइसेप बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं, 60% जो होता है ट्राइसेप होता है, 40% होता है बाइसेप, उसमें भी बहुत पार्टिकल्स होता है, तो उतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हाथ क्यों मतलब जरूरी है इसको, शायद मुझे किसी को डिटेल्स में बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपका हैंड स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बाइक कैसे कंट्रोल करोगे भाई, इतना लगेज के साथ, अगर उस आपके साथ अगर पिलियन रहता है तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो हैंड बाइसेप ट्राइसेप बहुत जरूरी है। लेग्स हो चुका है, स्टार्ट करते हैं अपना खुद का ट्राइसेप, और थर्ड पार्ट में जाके या फिर सेकेंड पार्ट में शायद मैं आपको बाइसेप का वर्कआउट भी दिखाऊंगा। तो अभी लेग और ट्राइसेप स्टार्ट, लेग तो हो गया, ट्राइसेप स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो।